इंदौर नगर निगम का क्रूर चेहरा आया सामने। निगम के कर्मचारियों का बेसहारा बुजुर्गों और विकलांगों को जबरन ट्रक में भरकर और शहर की सीमा से बाहर कराने का वीडियो हुआ वायरल। ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों को राहत, नहीं होना होगा क्वारंटीन। यात्रियों का टेस्ट नेगेटिव आने पर 14 दिन के होम क्वारंटीन की सलाह। पंजाब मानव अधिकार आयोग का बड़ा दावा, कहा ट्रैक्टर परेड में शामिल होने गए पंजाब के 100 युवक लापता, ढूंढने के लिए किसानों ने बनाई टीम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 74वां शहादत दिवस आज 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में नथुराम गोडसे ने गोली मारकर की थी हत्या, पूरी दुनिया दे रही है श्रद्धांजलि। इजरायली दूतावास के पास आईईडी विस्फोट के बाद राजधानी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी, गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने में आया नया जोश, मुजफ्फरनगर में कल हुई किसान महापंचायत के फैसले के बाद बढ़ने लगी किसानों की तादाद। किसान आंदोलन का आज 66वां दिन, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज मनाया जाएगा सद्भावना दिवस, दिन भर उपवास करेंगे किसान। सिंघू बॉर्डर पर हिंसा को लेकर 44 लोग गिरफ्तार, किसान नेताओं ने कहा बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया हमला, आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देने में जुटी सरकार। बिहार में आज कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों समेत गैर एनडीए दल बनाएंगे मानव श्रृंखला, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान।